हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शिव कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं 10th क्लास की साइंस। उसमें हम सबसे मुख्य देखेंगे दोस्तों कि ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया क्या है और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। यदि क्लास 10th के स्टूडेंट आप हैं देख रहे हैं दोस्तों, तो कृपया प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखें, जिससे आपको विजुअल समझ में आएगा। मैंने पूरा क्रम से वीडियो डाल रखा है चैप्टर 1 के। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी, समझिएगा दोस्तों। यदि पहली बार देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, टॉपिक कठिन लगेगा लेकिन समझ में आ जाएगा आसानी से, बिल्कुल आप अच्छे से समझें। समझे दोस्तों ऊष्मा क्षेपी का मतलब क्या है। क्षेपी मतलब दोस्तों निकालना, क्षेपी मतलब निकालना या निकलना, ठीक है। और शोषी मतलब होता है दोस्तों ग्रहण करना। शोषी मतलब क्या होता है, ग्रहण करना। क्या करना, ग्रहण करना, ठीक है। अब देखिए बड़ी ही सिंपल सी परिभाषा है। आप पहले हेडिंग डाल दीजिए क्या, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। और ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में लिखना है ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है दोस्तों, ऐसी अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रियाएं कहलाती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है दोस्तों, उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन, उत्सर्जन होता है उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। क्षेपी मतलब होता ही है निकलना। क्षेपी मतलब क्या होता है, निकलना। सीधा सा सिंपल सा, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हम ऊष्मा का क्या होता है दोस्तों, उत्सर्जन होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है दोस्तों, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल सा परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब उदाहरण में एक सिंपल सा आपको याद करना है, सिंपल सा। जैसे आप लोग घर की पुताई करते हैं दोस्तों, तो चूने की आवश्यकता पड़ती है, जिसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, चूने का पत्थर, ठीक है। अब दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड में हम क्या डालते हैं, जब पानी डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये बन गया दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये चूना पत्थर है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में बदल गया। अब दोस्तों इसमें क्या बदले, ऊष्मा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, ठीक है। जब भी हम कली के चूना में क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, आप घर में प्रैक्टिकल कर सकते हैं। यदि चूना पत्थर है आपके पास दोस्तों, चूने पत्थर में जब हम पानी डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि दुधिया रंग का हमें पानी प्राप्त हो जाता है और क्या हो जाता है, ऊष्मा मिल जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये सबसे अच्छा उदाहरण है आपको याद करने की, सबसे अच्छी उदाहरण है दोस्तों चूने के पत्थर में। हम एक बार पुनः अभिक्रिया लिख दे रहे हैं, ये चूना का पत्थर है, इसमें हमने क्या डाल दिया, पानी, तो क्या बन गया दोस्तों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा बन गया। ये बिल्कुल बड़ा सिंपल सा अभिक्रिया है, ठीक है। और ये कौन सी अभिक्रिया दोस्तों, ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। क्षेपी का मतलब ही होता है दोस्तों निकलना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। अब दोस्तों ये केवल 10th के लिए ही नहीं है, बाकी जिंदगी तक के लिए ऊष्मा क्षेपी की अभिक्रिया यही है। अभिक्रियाएं कभी बदलती नहीं है, उनकी परिभाषाएं कभी बदलती नहीं है, थ्योरी कभी बदलता नहीं दोस्तों। इसलिए आप लोग ये ना सोचे कि अभी के लिए ये है, 11th के लिए अलग होगा, 12th के लिए अलग होगा, तो यही चीजें हैं, ठीक है। ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। अब दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, ऊष्मा शोषी। अच्छा एक और उदाहरण यदि आपको हम बता दें, जो आपके दैनिक जीवन में आपके शरीर में उपस्थित होता है, जैसे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा ग्लूकोज C6H12O6, और हमने पानी लिया और ये आपस में मिलकर जानते हैं क्या बना देता है, H2O बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। क्या बना देता है, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस ही करना है तो यहाँ 12 हाइड्रोजन तो 6 का मल्टीप्लाई कर दे, 6 कार्बन तो यहाँ भी 6 का मल्टीप्लाई कर दे। ऑक्सीजन कितने हो गए, 6, 6 2 8, जबकि यहाँ 6 और 12 कितने होते हैं दोस्तों, 18 है, तो यहाँ हम 12 का गुणा कर दे, तो 12 2 24 गलत हो गया, 6 2 12 और 6 18, तो ये बैलेंस ही। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, ऊष्मा निकलता है। क्या निकलता है, ऊष्मा, ऊष्मा निकलता है प्लस ऊष्मा, तभी तो हम वर्क कर पा रहे हैं। अभी हम बोल रहे हैं इतना कैसे, ऊष्मा के द्वारा। हमने खाना खाया, उसमें ग्लूकोज पाया और वो ग्लूकोज का अपघटन हुआ, ग्लूकोज के अपघटन के बाद हाइड्रोजन बना और क्या बना, सॉरी पानी बना और कार्बन डाइऑक्साइड। पानी देखते दोस्तों मलमूत्र द्वारा भी बाहर निकल जाता है और पसीने से भी बाहर निकल जाता है, और दोस्तों जो हम कार्बन डाइऑक्साइड है तो सांस लेते समय बाहर निकाल देते हैं, और जो हम चलते हैं, घूमते हैं, बैठते हैं, फिरते हैं, कार्य करते हैं, तो कहाँ से एनर्जी मिलती है, कहाँ से एनर्जी मिलती है, तो वही एनर्जी मिलती है ग्लूकोज के, क्या होता है, जब ग्लूकोज टूटता है दोस्तों तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। इस प्रकार दोस्तों दो एग्जाम्पल बड़े ईजी है ऊष्मा क्षेपी के। अब हम चर्चा करते हैं, चलिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, चलिए इसको मिटा देते हैं, अभिक्रिया तो लिखते चले। ये ग्लूकोज का सूत्र है दोस्तों, ये पानी है,
सॉरी ये पानी है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी जिसे बोला जाता है, कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। बिल्कुल दोस्तों इनको तो आप याद ही कर लें, 10th के बच्चे बिल्कुल सूत्र बिल्कुल याद करें, सूत्र याद करें, क्योंकि सूत्र का याद करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये किसी एक क्लास के लिए फॉर्मेलिटी याद नहीं कि सूत्र ना बनना चाहिए, सभी से सूत्र बनना चाहिए दोस्तों, आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट है। चलिए तो अब शुरू करते हैं अपन ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का क्या किया जाता है, ऊष्मा का शोषण किया जाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का शोषण किया जाता है उसे ऊष्मा शोषी यानी ग्रहण करना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, क्या होता है दोस्तों, अवशोषण होता है, मतलब शोषण होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो कि किसी ऊष्मा के उपस्थित में कार्य करता है या किसी ऊर्जा के उपस्थित में कार्य करता है दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। शोषी मतलब ग्रहण करना, सबसे सिंपल सा आपको याद करना है, शोषी मतलब ग्रहण करना। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों क्या कहलाती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब ऊष्मा शोषी की एग्जाम्पल दोस्तों सबसे सिंपल सा आपको क्या करना है, ऊष्मा शोषी आप देखते हैं दोस्तों क्या, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसका सूत्र का नाम क्या दोस्तों, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। दोस्तों जब इसमें ऊष्मा देते हैं, इसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, इसको हम गर्म करते हैं दोस्तों, ये बनता है कली का चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है। क्या बनता है दोस्तों, कली का चूना और कार्बन डाइऑक्साइड। और आपके में इजी होगा दोस्तों तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट दोस्तों आपके कोर्स में है, फेरस सल्फेट तो इसका क्या बनता है दोस्तों, इसका बनता है या PSO4 फेरस सल्फेट है तो ये बनाता है Fe2O3 बनाता है दोस्तों, SO2 बनाता है और SO3 बनाता है। अब इसकी बैलेंसी करनी है तो बैलेंसी कर सकते हैं, यहाँ कितने सल्फर हो गए दोस्तों, तो यहाँ आयरन दो तो दो हो गए, सल्फर भी दो हो गए, ऑक्सीजन 4 × 8 3 × 6 = 8 सही है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों ये अपघटन होता है, इसमें भी किसकी आवश्यकता होती है, ऊष्मा की। तो आप ऊपर वाला अभिक्रिया याद कर लें, एक अभिक्रिया याद करने की आवश्यकता है दोस्तों, यानी अभिक्रिया पूछ रहा है तो केवल एक उदाहरण आपको लिखना है। दो नंबर में पूछ दिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाता है, और आप कैल्शियम कार्बोनेट का उदाहरण लिख देते हैं तो आपको दो नंबर मिल जाता है। यदि 4 नंबर में आ जाता है ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं, तो दोनों को आपको लिखना है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इन दोनों को आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ना केवल 10th क्लास के लिए, बाकी हर क्लास के बच्चे भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये 10th क्लास स्पेशल है, बाकी तो अंत क्लास के बच्चों के लिए अलग से ही डिफिनेशन बताऊंगा, उसमें कोई बात नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, यदि आप रेगुलर देखते हैं तो आपको अच्छा भी लगा होगा, यदि आप रेगुलर नहीं देखते दोस्तों तो कृपया प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियो को देख लें जो मैं पढ़ा चुका हूं, क्योंकि उन वीडियो को आप बनाने वाला नहीं हूं दोस्तों। ठीक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कृपया एक क्रम से देखेंगे तो आपको मजा आएगा, प्लेलिस्ट में क्रम से है। ठीक है, और भाषा भी समझ में आएगी और मजा भी आएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में मजेदार एपिसोड के साथ, फिर जय हिंद, धन्यवाद।